Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. Here in this class we will discuss about a topic related to the Dravyagun, that is called as Dravya Sanrakshan Vidhi and the collection of herbal drugs. Okay, so Dravya Sangrah Vidhi या फिर उसी को हम collection of herbal drugs भी बोलते हैं. Okay, तो Dravya Sangrah Vidhi इन्हीं का हम dealing करेंगे आज. तो अलग अलग factor मैंने listing की है. Okay, तो next slide में देखते हैं उसको. तो that is called as for medicinal uses. हम क्या करते हैं, जो कंटेंट होते हैं, जो हर्बल ड्रग्स होते हैं, उनका क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, उनको क्या करते हैं, संग्रह करते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला जो फैक्टर आता है, किसके बेसिस पर हम इनका कलेक्शन करते हैं. ओके, तो जैसे कि आप सब जानते हो कि हम अपने 11th 12th स्टैंडर्ड में, ओके, तो हम वहाँ पर पढ़ चुके कि जो शुष्क द्रव्य रहते हैं उनका जो हर्बेरियम शीट पर हम उनको, यानी कि ब्लॉटिंग पेपर पर समथिंग कुछ क्या करते हैं, ब्लॉटिंग पेपर पर क्या करते हैं, पर्टिकुलर हर्बल जो ड्रग्स होते हैं उनके लीव्स हो गए, उनके फ्लावर्स हो गए, इन सभी कंटेंट को क्या करते थे, ब्लॉटिंग पेपर पर रखने के बाद, ब्लॉटिंग पेपर क्या करता है, वो पूरे मॉइस्चर कंटेंट को अब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट कोई फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे नहीं होना चाहिए टू द प्लांट, टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर हर्बेरियम शीट में इनको लगा देते हैं. ओके, यानी कि हर्बेरियम में, हर्बेरियम फॉर हर्बेरियम पर्पस हम क्या करते हैं, पहले कलेक्शन ऑफ पहले की बात कर रहा हूँ. ओके, तो हम पहले से जो अभी तक हम जो करेंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि पहले हम हर्बेरियम के लिए क्या करते थे, द्रव्य का कलेक्शन करते थे, यानी कि ड्रग्स का कलेक्शन करते थे, प्लांट्स का कलेक्शन करते थे. लेकिन अभी फॉर मेडिसिनल यूजेस, जो हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो मेन एम है, उनके लिए हम कलेक्शन करते हैं पर्टिकुलर द्रव्यों का. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने अभी जस्ट बताया हर्बेरियम के लिए, हर्बेरियम का हमारा मेन पर्पज़ था, हम उनके लिए जो द्रव्य को कलेक्ट करते थे और उसको ब्लॉटिंग पेपर पे रखने के बाद देन वहाँ पे हम क्या करते थे, उसको हर्बेरियम शीट पे लगाते थे. ओके, और वहाँ पे एक कंडीशन ये थी कि देयर शेप साइज शुड नॉट बी अफेक्टेड. ओके, तो ये इसकी एक कंडीशन थी, इसलिए हम उनको हर्बेरियम शीट ये सभी उसको मेंटेन करते थे. हमारा जो नेक्स्ट जो समथिंग जो फॉर मेडिसिनल यूजेज जो है, इनका जब एम आता है, यानी कि इनके यूजेस के लिए जब हम दिस पर्टिकुलर मेडिसिन से, सॉरी दिस पर्टिकुलर जो संग्रह है, ओके, कलेक्शन है, इनके अकॉर्डिंग जब हम इनका यूज़ करते हैं, मतलब मेडिसिन के लिए हम किसी भी द्रव्य का संग्रह करते हैं, किसी भी द्रव्य का कलेक्शन करते हैं, किसी भी द्रव्य को कलेक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे कलेक्शन ऑफ बाग्स, फ्लावर्स, इनके पत्ती हो गए, ओके, इनका हम कलेक्ट करते हैं. तो वहाँ पे भी एक कंडीशन आती है कि जो इनके जो रस हैं, यानी कि जो रस गुण वीर्य विपाक, जो इनके प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गुण हैं विच रिसाइड इन दैट पर्टिकुलर कंटेंट, विच रिसाइड इन दैट पर्टिकुलर द्रव्य, दैट शुड नॉट बी चेंज, दैट शुड नॉट बी अफेक्टेड. ओके, तो रस गुण वीर्य विपाक ETC फैक्टर विच नॉट, सॉरी शुड नॉट बी अफेक्ट. ओके, तो यही इसकी एम थी. हमने हर्बेरियम शीट में जो पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी जो लगाई, पर्टिकुलर जो कंटेंट हमने लगाया, उसमें ये कंडीशन थी कि उसके शेप एंड साइज में कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, दैट इज़ करेक्ट. लेकिन कलर में वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं. शेप एंड साइज शुड नॉट बी अफेक्टेड. इन दैट सेम मैनर हमारा जो मेडिसिन के अगर पर्पज़ के लिए हम किसी भी द्रव्य को कलेक्ट करते हैं, किसी भी द्रव्य को संग्रह करते हैं या फिर अपने पास रखते हैं, तो उनका मेन जो एम रहता है, उनके रस गुण वीर विपाक शुड नॉट बी, अगर हमने किसी लीव्स को कलेक्ट किया है, सच एज तुलसी लीव हो गई या फिर वहाँ पे गुड़ची के पत्र होते हैं उनको कलेक्ट किया है फॉर गुड़ची पत्र स्वरस, तो गुड़ची पत्र स्वरस का हम विद इन वन डे आपको यूज़ करना है. जब हमने द्रव्य को कलेक्ट किया, हमने द्रव्य के पत्ते को कलेक्ट किया, द्रव्य के लीव्स को कलेक्ट किया, लेकिन हमें कब तक कलेक्ट करना है, उसके जब तक रस गुण विपाक फिनिश ना हो जाए, मतलब जब तक वो एज इट इज़ रहे तब तक हम ही उसका यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर वन डे जो होगा, जो पर्टिकुलर जो गुड़ची पत्र है, गुड़ची की जो लीव है, गुड़ची एक पर्टिकुलर हर्बल कंटेंट होता है, हर्बल एक ड्रग है जिन्हें हम गुड़ची, गिलोय, गुड़वेल, वहाँ पे टीनोस्पोरा कॉडिफोलिया, ये सभी नामों से जानते हैं इसको, इनके पत्ते अगर हम ले लें तो एक से दो दिन के बाद ये पत्ते क्या होते हैं, इनके जो कंटेंट होते हैं, इनके अंदर गुण है, वीर है, विपाक है, रस है, इनके प्रॉपर्टीज़ में बदलाव देखने को मिलता है. ओके, तो इसीलिए जब तक इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ रहती है तब तक ही हमें दिस पर्टिकुलर द्रव्य का यूज़ कर सकते हैं. तो ये इसकी एक कंडीशन है कि जब रस गुण वीर विपाक शुड नॉट बी अफेक्टेड, शुड नॉट बी चेंज, तब तक ही हमें उस पर्टिकुलर कंटेंट को द्रव्य को संग्रह, यानी कि उनको कलेक्शन करना चाहिए. ओके, कलेक्ट करके रखना चाहिए उस समय तक जब तक रस गुण वीर विपाक चेंज ना हुए हों.
तब तक ओके आफ्टर डैट इसके कुछ टाइम भी बताएगी कि इसके इतने टाइम के बाद दिस पर्टिकुलर कंटेंट ख़राब हो जाते हैं ओके जैसे कि एग्जांपल बताऊं कि चूर्ण जो होते हैं यानी कि हिंगवास्टक चूर्ण हो गया श्वेतोपलादी चूर्ण हो गया कायम चूर्ण हो गया अभिप्रतिकट चूर्ण हो गया तो देर आर नंबर ऑफ चूर्ण चूर्ण कल्पना यानी कि पाउडर की कल्पना होती है पाउडर कल्पना मतलब जैसे कि हिंगवास्टक चूर्ण आप सभी जानते ही हो ओके तो श्वेतोपलादी चूर्ण जानते रहोगे ओके ये सभी क्या होते हैं इन चूर्ण का यूज़ करते हैं हम सभी कफ के रोगों के लिए यानी कि कफग्न रोगों के लिए हम क्या करते हैं श्वेतोपलादी चूर्ण हिंगवास्टक चूर्ण जिस पर्टिकुलर चूर्ण का यूज़ करते हैं ओके ये जो चूर्ण होते हैं दो मंथ में ख़राब हो जाते हैं तो जिस पर्टिकुलर जो कंटेंट था हमने स्टोर करके रखा था ओके इनको चूर्ण हमने बना लिया बनाने के बाद हमने इसको स्टोर कर दिया स्टोर करने के बाद इनकी जो लाइफ स्पैन है ये क्या है दो महीने तक यानी कि दो महीने के बाद हमने जो कलर करके रखा था इनके टाइम स्पैन दो महीने के बाद ख़त्म हो जाती है यानी कि इनके जो कंटेंट जो हमने यूज़ किए थे उनमें रसगुने विरूपाक बदलाव हो जाते हैं उनमें दैट्स वो पर्टिकुलर कंटेंट जो था वो ख़राब हो गया। अगेन मैं आपको बता दूं जैसे कि श्वेतोपलादी जो हमारा जो चूर्ण है इनमें जो कंटेंट होते हैं श्वेतोपलाम तुगाक्षरी पिपली बहुलाम त्वचम ओके यानी कि इसमें पिपली है एला है ओके देन यहाँ पे इसमें श्वेतोपलादी शक्कर है इनके प्रॉपर्टीज में बदलाव देखने को मिलता है आफ्टर दो महीने के बाद। तो दो महीने के बाद जब इनमें इनके प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव देखने को मिलता है होता क्या है कि जो श्वेतोपलादी चूर्ण है वो कंटेंट ख़राब हो जाता है ओके दैट्स वाई श्वेतोपलादी चूर्ण यानी कि कोई भी चूर्ण की कल्पना है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो दो महीने बताइए क्योंकि जो कंटेंट जो हमने यूज़ किया है इसके प्रिपरेशन के लिए उसके कंटेंट विद इन टू मंथ ख़राब हो जाते हैं ओके उनके जो रस होते हैं उनके जो गुण हैं उनके जो वीर हैं उनके जो विपाक हैं उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें बदलाव देखने को मिलता है दो महीने के बाद दैट्स वाई वो पर्टिकुलर कंटेंट जो है ख़राब हो जाता है ओके दैट अगेन एंड अगेन मैं सेम स्टेटमेंट में रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए ओके तो पहला जो फैक्टर होता है संग्रह अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ओके आयुर्वेद किन किन तरीकों से पर्टिकुलर द्रव्य को कलेक्ट करता है ओके तो दैट इज संग्रह कलेक्शन ऑफ द्रव्य कलेक्शन ऑफ हर्बल ड्रग्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा तो देर आर नंबर ऑफ टू वे दैट इज सामान्य विधि एंड विशेष विधि आर देयर ओके तो इनके जो नोट्स हैं मैं आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ओके तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसके लिंक प्रोवाइडेड किए हैं तो एक शॉर्ट नोट्स वहाँ पे मैंने हैंडमेड शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया है तो आप वो देख सकते हो यहाँ पे जस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा अगर आपको पर्टिकुलर नोट्स चाहिए तो यू कैन क्लिक और यू कैन वहाँ पे आप लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हो और यू कैन डाउनलोड इट ओके तो यहाँ पे जो मैंने जस्ट बताया सामान्य विधि और विशेष विधि सामान्य विधि में ये रहता है कि पर्टिकुलर जो जो संग्रह होते हैं जो कलेक्शन होते हैं किसी भी हर्बल ड्रग्स का उनको कलेक्ट करते समय हमें क्या करना पड़ता है जैसे कि नॉर्मल जैसे मैंने बोला तुलसी के पत्र हमें कलेक्ट करने हैं तुलसी के लीव्स को हमें गेन करना हमें चाहिए हमें वहाँ पे हर्बल ट्री प्रिपेयर करना है या फिर वहाँ पे श्वास यानी कि कफ और ये सभी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वहाँ पे इनके पत्र का स्वरस निकालना है ओके तो यानी कि इनके पत्ती का जब जूस निकालना है इनके लिए या फिर हमें हर्बल ट्री बनाना है इनके लिए हम क्या करेंगे तुलसी के पत्र को हमने लाया ओके सपोज हमने लाया ये सामान्य विधि हो गई। सामान्य विधि मतलब यहाँ पे किसी भी द्रव्य को तोड़ते समय या फिर कलेक्ट करते समय सपोज हम वहाँ पे जो गॉडशिप होती है यानी कि गॉड को चढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं फ्लावर को कलेक्ट करते हैं ओके देन वहाँ पे जो कुछ फ्रूट होते हैं सच एज धतूर के जो फ्रूट होते हैं उनको कलेक्ट करते समय इनको जब हम तोड़ते हैं ओके तो ये जो क्या होते हैं गॉड प्रिय होते हैं मतलब ये जो हमारे जो शिव होते हैं लॉर्ड शिव उनको वो प्रिय होते हैं उनको वो उनका फेवरेट फ्रूट है धतूर ओके तो इनको कलेक्ट करते समय कुछ नियम बताए गए हैं ओके वो नियम वहाँ पे चरक कल्पस्थान है ओके तो पहला अध्याय में उन्होंने वो नियम दिया है ओके तो वो क्या नियम है कि उनको मंगलाचरण यानी कि जो सूत्र होते हैं कुछ ओके श्लोक कुछ श्लोक होते हैं उनको रिसाइट कर दे उनको श्लोक आप रिसाइट करते रहिए ड्यूरिंग कलेक्शन ओके ड्यूरिंग जब आप किसी भी कंटेंट को कलेक्ट कर रहे हो ओके कल्याणम व्रत ओके कल्याणम व्रत मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो कोई भी इंटेंशन होना चाहिए हमने ऐसे बेकाम के लिए हमने तुलसी के पत्र को तोड़ लिया ऐसा नहीं होता कुछ नियम बताए गए देर आर सम सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन विच वी हैव टू फॉलो ड्यूरिंग इट्स कलेक्शन ओके तो कल्याणम व्रत मतलब इट शुड बी हैव अ इंटेंशन देर आर सम इंटेंशन शुड हैव टू कलेक्ट पर्टिकुलर द्रव्य ओके और क्या हम देखते हैं इस पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा में ओके ये हम देखते हैं शुशीर भूत मतलब
हमें स्वच्छ कपड़े पहनकर यानी कि बाय मेंटेनेंस द क्लीनिनेस, ओके, तो क्लीनिनेस जो होता है यानी कि स्वच्छ पूर्वक मेंटेन यानी कि स्वच्छता पूर्वक मेंटेन करने के बाद हमें साफ सुथरे बाथिंग करने के बाद ओके वहाँ पे किसी भी कंटेंट को हमें कलेक्ट करना चाहिए ओके। देन वहाँ पे शुक्ल वासा वाइट कपड़े पहनकर हमें पर्टिकुलर किसी भी कंटेंट को कलेक्ट करना चाहिए ओके। देन वहाँ पे अलग से वहाँ पे एक और पॉइंट है उत्तराभिमुख, मतलब जो कंटेंट जो हर्बल ड्रग्स नॉर्थ साइड में रहेंगे ओके, जो देर इज़ नथिंग बट नॉर्थ साइडेड जो प्रेजेंट द्रव्य होते हैं या फिर जो द्रव्य प्रेजेंट इन नॉर्थ साइड ओके उनका हम क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं ओके, या फिर नॉर्थ साइड या फिर जो ईस्ट साइड में जो होते हैं जो कंटेंट जो ग्रो हुए रहते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं उत्तर अभिमुख या फिर उत्तराभिमुख, मतलब उत्तर के साइडेड वाले जो द्रव्य होते हैं उनका हमने कलेक्ट किया ओके। देन वहाँ पे ऐसा भी वहाँ पे एक पॉइंट आया कि पुष्य अश्विनी मृगशिरा ये सब नक्षत्र होते हैं ओके, तो इनके टाइम पीरियड में हमें पर्टिकुलर कंटेंट को कलेक्ट करना चाहिए ओके। तो लास्ट दैट इज बट नॉट लीस्ट ओके, तो दैट इज नथिंग बट इन सभी नक्षत्र में हम क्या करते हैं पर्टिकुलर कंटेंट को कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे जो मैंने फैक्टर बताए ये सामान्य विधि है, ये कुछ सर्टेन रूल हैं कि इनको कलते समय हमें क्या करना है किसी भी द्रव्य को कलेक्ट करना है। तो तुलसी के पत्र को तोड़ते समय हमें क्या करना है अपने हाथों को क्लीनलीनेस मेंटेन करना है, अपने हाथों को स्वच्छ करना है, वाइट कपड़े पहनना है, मंगलाचरण कुछ स्लो के रिसाइट करना है वहाँ पे। तो ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हम चरक आचार्य ने उन्होंने बनाया ओके। चरक आचार्य एक और चीज़ मानते हैं कि कुछ विशेष विधि भी होती हैं कि पर्टिकुलर कंटेंट को यूज़ करना है, यानी कि सपोज मैंने मदन फल बताया, मदन फल रेंडिया स्पाइनोजा, वहाँ पे पर्टिकुलर एक हर्बल ड्रग्स होता है मदन फल जो क्या करता है वमन इंड्यूस करता है, वमन मतलब वामक द्रव्य है, वामक द्रव्य मतलब जो पंचकर्म में से वमन के लिए यूजफुल है ओके। वमन सॉरी पंचकर्म में वमन एक थेरेपी होती है जिनमें हम क्या करते हैं किसी भी सॉरी ओमिटिंग को इंड्यूस करते हैं, ओमिटिंग को प्रोड्यूस करते हैं ओके, जिसकी वजह से क्या होता है जो दोष कोष्ठ में आए हुए रहते हैं वो क्या होते हैं निकल जाए हमारे थ्रू द माउथ से ओके। तो वो एक अलग प्रोसीजर है हम डिस्कस करेंगे, या फिर मैंने ऑलरेडी इसके वीडियो अपलोड किया है कि पंचकर्म क्या होता है उसके क्या क्या कैसे इसको करते हैं ओके। तो यू कैन सी दैट पर्टिकुलर वीडियो, वो मैंने ऑलरेडी अपने अकाउंट में अपने वहाँ पे यूट्यूब चैनल में अपने उसको ऑलरेडी अपलोड किया ओके। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा में जो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज़ कॉल्ड नथिंग बट विशेष विधि, किसी भी ऐसे भी कुछ विधि बताए गए हैं, देर आर सम सर्टन ड्रग ओके, सर्टन द्रव्य के कंटेंट जिनको संग्रह करते समय हम क्या करते हैं वहाँ पे इनकी कुछ विशेष विधि बताई गई ओके। विशेष विधि मतलब क्या होता है कि वहाँ पे इनको इसी तरह हमें कार्य करना रहता है, सच कि मदन फल जैसे मैंने बताया तो मदन फल में बीज जो होते हैं मदन फल जो बीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं मदन फल पिपली बोलते हैं, तो मदन फल पिपली मदन फल के बीज को हम बोलते हैं, तो मदन फल के बीज को डायरेक्टली हम मदन फल के यानी कि मदन फल का जो फ्रूट होता है उनसे हम डायरेक्टली ना लेते हुए हम क्या करते हैं इनको हम अलग से मतलब इनके कुछ प्रोसेस होती है, इन प्रोसेस को करने के बाद ही उस पर्टिकुलर बीज को लेते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी जो नोट्स बनाए उनसे मैंने शो किया, मैं उसी नोट्स के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि वहाँ पे क्या होता है कि जो मदन फल ओके, तो बाहर आपको थोड़ा सा साउंड अनक्लियर रहेगा कि देर आर सम रेन आर देर ओके, यानी कि वहाँ पे थोड़ी सी रेनिंग हो रही है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर जो मैं आपको बोल रहा हूँ ओके। तो थोड़ा सा साउंड वहाँ पे बैकग्राउंड में थोड़ा सा कलर चेंज हो सकता है ओके। तो मदन फल जो होता है मदन फल का जो फल होता है उनके बीज को निकाल से सॉरी उनके बीज का यूज़ हम करते हैं वमन प्रोसीजर करने के लिए, लेकिन हम पर्टिकुलर बीज को उनके फल से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, देर आर सर्टन रूल्स देर आर सर्टन प्रोसेस ओके, आफ्टर दैट वी कैन वहाँ पे एक्सट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर बीज ओके। तो ये रूल होते हैं जैसे कि मैंने बताया है पर्टिकुलर कंटेंट में अपने नोट्स में, मदन फल जो होता है हमने पका हुआ जो फल होता है मदन फल का ओके, मदन फल जो एक पेड़ होता है जो ट्री होता है इनके फलों से मदन फल यानी कि इनके फलों को तोड़कर पके हुए फ्रूट को इनको वस्त्र में लिप्त कर देते हैं, यानी कि कपड़े में बांध कर कपड़े में बांधने के बाद गोबर जो होता है गोमय जिन्हें हम बोलते हैं काउडंग जिन्हें हम बोलते हैं इनका आपको लेपन करना है, लेपन करना मीन्स इनको आपको बाहर से लगाना है, लगाने के बाद इनको आपको सनलाइट में ड्राई करना है, इनको सुखाना है, सुखा देने के बाद आपको क्या करना है धान्य राशि, तो देर आर धान्य राशि सचेस आप मूंग की दाल में रख दो ओके। वहाँ पे देन उड़द की दाल जो बताई गई है, देन वहाँ पे धान्य राशि यानी कि जो
धान्य जो होते हैं यह वह गोधूम ये सभी जो होते हैं उनमें दिस पर्टिकुलर जो हमने सुखाया है गोबर लगाने के बाद वहाँ पे गोमय लगाने के बाद काउडंग्स लगाने के बाद उस वस्त्र में ओके तो उस पर्टिकुलर कंटेंट में 7 दिन तक हमें किसी भी धान्य में रखना है। धान्य में रखने के बाद हमें क्या करना रहता है, जब उसमें से गंध आने लगती है कि यस वहाँ पे स्वीटिंग यानी कि स्वीटी वहाँ पे कुछ स्मेल आती है सुगंधी स्मेल आने लगते हैं तो हमें 7 दिन के बाद उस पर्टिकुलर फ्रूट को निकालना रहता है। और निकालने के बाद हमें क्या करना रहता है, उसको उसमें से उसके सीड को निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस है देयर आर दिस प्रोसेस बाय विच जो इनके जो बीज होते हैं आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस वी कलेक्ट दैट पर्टिकुलर बीज ओके। तो वही मैंने बताया इनकी कुछ विशेष विधि होती है कुछ द्रव्यों के लिए, आफ्टर दैट वी कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर कंटेंट। तो बीज का यूज़ हम करेंगे वमन कर्म करने के लिए, लेकिन इनका जो कलेक्शन है कुछ विशेष विधि के थ्रू बताया गया है, वो मैंने आपको बताया ओके। तो देर आर एक और मैंने वहाँ पे एक एग्जांपल दिया है अपने नोट्स में कि आरोग्यवत जो होता है केचिया फिस्टूला ओके, तो इनके मज्जा का यूज़ करते हैं हम ओके। तो इनके मज्जा का यूज़ करते समय इनके फलों को हम क्या करते हैं, बालू यानी कि जो सैंड होते हैं उनके इनके अंदर रख देते हैं ओके। तो बालू के भीतर इनके अंदर रखने के बाद जो होता है हम क्या करते हैं, फल को ड्राई कर देते हैं, फल को सनलाइट के एक्सपोजर में सुखाते हैं, उनको धूप में सुखाते हैं। जब वो फ्रूट जब सूख जाते हैं देन वहाँ पे हम क्या करते हैं, इनके फल मज्जा को निकालते हैं यानी कि पल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर आरोग्यवद फ्रूट आरोग्यवद के फल के हम मज्जा निकालते हैं। एंड आफ्टर दैट यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर मज्जा हेल्प इन वेरियस जो प्रॉब्लम होते हैं उनमें हम इनके मज्जा का यूज़ करते हैं ओके। तो मज्जा का यूज़ हमने किया लेकिन कुछ कलेक्शन थे, कुछ बताया उन्होंने कि सैंड में आपको रखना है वहाँ पे, देन इनको सैंड में रखने के बाद क्या होता है, इनको आपको सनलाइट के एक्सपोजर में रखना है, सनलाइट के एक्सपोजर में रखने के बाद क्या करना है वहाँ पे आपको देन वहाँ पे उसके मज्जा को निकालना है देन आपको यूज़ करना है। तो कुछ तरीके बताए गए, कुछ प्रोसेस बताए गए, देन ओनली वी कैन यूज़ पर्टिकुलर द्रव्य ओके। तो संग्रह अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा में यही वहाँ पे बताया है ओके। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ नथिंग बट संग्रह अकॉर्डिंग टू काल ओके। तो इनके जो नोट्स हैं मैंने ऑलरेडी आपको अपलोडेड किए हैं, यू कैन सी दैट पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। तो संग्रह अकॉर्डिंग टू काल मतलब ये रहता है कि मतलब इसकी जो एनलिस्टिंग है मैंने नेक्स्ट स्लाइड में की है कि कौन कौन से द्रव्य को किन किन काल में किन किन टाइम पीरियड में हमें कलेक्ट करना है। जैसे कि मैं बता दूँ आपको कि जो किसी भी बाक्स होती है, बाक्स मतलब किसी भी पेड़ की जो छाल होती है हमें शरद ऋतु में कलेक्ट करना है। किसी भी जो ट्रीज या सॉरी किसी भी जो द्रव्य होते हैं जो हर्बल ड्रग्स होते हैं इनके जो क्षीर होते हैं सच एस वट क्षीर सच एस स्नूही क्षीर सच एस अर्क क्षीर ओके, यानी कि जहाँ पे हम दूध को कलेक्ट करते हैं ओके, जो ऊजिंग होती है जो मिल्क की जो एक्सोडेट जो सीक्रेट होता है प्लांट के थ्रू उनका जब कलेक्शन होता है तो हम उनका शरद ऋतु में करते हैं। और क्या करते हैं, और वहाँ पे कुछ अलग से बताएगा कि अगर हम किसी भी मूल का जब हम संग्रहण कर रहे हैं तो हेमंत ऋतु में करना चाहिए। तो देर आर सर्टन रूल्स फॉलोड बाय देयर 3 आचार्यास ओके, राजनिगंडु वहाँ पे जो चरक और सुश्रुत इनके अकॉर्डिंग मैंने एनलिस्टिंग की है नेक्स्ट स्लाइड में, तो हम उसको देखेंगे बाद में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि संग्रह अकॉर्डिंग टू वीर्य ओके। तो वीर्य के अकॉर्डिंग किसी भी द्रव्य का जो संग्रह होता है वो किस प्रकार किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीर्य कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के वीर्य होते हैं, यू ऑल नो दैट इज नथिंग बट शीत वीर्य द्रव्य और उष्ण वीर्य द्रव्य ओके। अगर कोई द्रव्य उष्ण वीर्यात्मक है मतलब वो हॉट इन पोटेंसी का है, जैसे कि पिपली हो गया, मरीच हो गया ओके, देन वहाँ पे वचा हो गया हमारा, बाकुची हो गया ओके, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी ड्रग जो होते हैं जैसे कि वहाँ पे कंतकारी है, बृहती है ओके, बहुत सारे ऐसे द्रव्य बताए गए हैं जो क्या होते हैं वहाँ पे वो उष्ण वीर्य के होते हैं ओके। तो चित्रक है हमारा, वहाँ पे पिपली है, पिपली देन वहाँ पे वहाँ पे शुंठी है, आर्द्रक है, तो जिनमें उष्ण वीर्य रहते हैं जिनमें जिनकी पोटेंसी उष्ण रहती है ओके, यानी कि जो हॉट इन पोटेंसी के होते हैं उन द्रव्यों को कलेक्ट करते समय उन द्रव्यों का जो कलेक्शन होता है हमें शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु इन टाइम पीरियड में करना चाहिए। अभी आप बोलोगे कि मैंने टाइम पीरियड में के बेसिस पर हमने क्लासिफाई कर दिया तो हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं ओके। तो वो तो प्लांट्स के पार्ट के बेसिस पे था ओके, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में अनक्लियर साउंड सुनाई पड़ सकता है कि देर आर हैवी रेन स्टार्ट हो गई है ओके। तो वीडियो को पॉज हम नहीं कर सकते, तो वीडियो वहाँ पे थोड़ा सा
वहाँ पे मिसमैच होता था कि वीडियो की वहाँ पे कुछ बोलते कि साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, बाद में बोलते कि थोड़े से ये वगैरह वगैरह प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, दैट्स वहाँ पे हम वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो थोड़ा सा अनक्लियर साउंड आपको आएगा तो थोड़ा अंडरस्टैंड करिए। ओके, तो जो वहाँ पे वीर होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमने प्लांट का कलेक्ट किया। ओके, प्लांट्स के जो पार्ट्स है उनके उनको कब कलेक्ट करना है, किन ऋतु में कलेक्ट करना है, वो हमने सेकेंड फैक्टर में हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, वो हमने देख लिया। ओके, सपोज हमने देख लिया, अभी ये जो वीर्य है प्लांट्स के पार्ट का हमें कलेक्ट नहीं करना है, लेकिन प्लांट्स के जो गुण होते हैं, प्लांट्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके उनको देखकर हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर कंटेंट को, पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को देखकर हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे उनके ऋतुओं में कलेक्ट कर रहे हैं। सपोज अगर उष्ण वीर वाले जो द्रव्य होते हैं उनका कलेक्शन हमें शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, इन तीन ऋतु में करना चाहिए। ओके, जो शीत वीरात्मक जो द्रव्य होते हैं, जो कोल्ड इन पोटेंसी के होते हैं, बहुत सारे द्रव्य बताएं, वासा हो गया, वासा के लीव्स हो गए। ओके, देन वहाँ पे जो हमारे जो घृत होते हैं, जो हमारे जो घीज होते हैं यानी कि जो गोघृत होते हैं, ओके, बहुत सारे ऐसे द्रव्य बताएं जो क्या होते हैं, शीत वीरात्मक होते हैं, जैसे अशोक हो गया, अश्वगंधा हो गया। ओके, अश्वगंधा तो उष्ण वीरात्मक होता है, सॉरी, वहाँ पे देन अर्जुन हो गया। तो ये सभी जो प्लांट्स होते हैं इनका संग्रह, इनके जो वीर होते हैं वो शीत होते हैं, और इन पर्टिकुलर द्रव्यों के, इन पर्टिकुलर शीत वीरात्मक जो द्रव्य होते हैं इनका कलेक्शन हमें ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु, इन तीन टाइम पीरियड में करना चाहिए। ओके, तो संग्रह अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, कलेक्शन ऑफ हर्बल ड्रग्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, कलेक्शन ऑफ द्रव्य अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। ओके, तो वहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया कि शीत वीर अगर कोई द्रव्य होगा उनका कलेक्शन हमें विसर्ग काल यानी कि ग्रीष्म, वर्षा, वसंत ऋतु में करना है। ओके, देन वहाँ पे एक और फैक्टर बताया गया कि सौम्य भूमि, सौम्य भूमि में मतलब जो भूमि वहाँ पे थोड़े से शीतल होते हैं, ओके, वहाँ से हमें इस पर्टिकुलर कंटेंट को कलेक्ट करना है। ओके, तो वहाँ पे देन आग्नेय काल में, सॉरी, आग्नेय जो द्रव्य है या फिर जो उष्ण वीर जो द्रव्य हैं, ऑलरेडी मैंने उनके लिए भी बताया कि शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में पर्टिकुलर उष्ण वीर वाले जो द्रव्य होते हैं उनका कलेक्शन हमें करना चाहिए। ओके, और एक फैक्टर है कि आग्नेय भूमि, जो लाल मिट्टी जो भूमि होती है यानी कि जो थोड़े से हॉट एंड पोटेंसी वाले जो जो सॉइल होती है वहाँ से हमें पर्टिकुलर उष्ण वीरात्मक वाले जो द्रव्य होते हैं उनका कलेक्शन करना चाहिए। ओके, तो संग्रह अकॉर्डिंग टू वीर्य, नेक्स्ट देखते हैं हम संग्रह अकॉर्डिंग टू प्रयोग। ओके, ये क्या होता है संग्रह अकॉर्डिंग टू प्रयोग, मतलब क्या होता है? तो प्रयोग मतलब नॉर्मली तो जितने भी जो द्रव्य होते हैं उनका कलेक्शन हमें ताज़ा ही यूज़ करना चाहिए, मतलब ताज़ा मतलब फ्रेश। तो अगर हमें किसी भी हर्बल ट्री बनाना है तो तुलसी को हमने जब तोड़ना है तो तुलसी को इमीडिएटली हमें तोड़ना है। ओके, तो इमीडिएट तोड़ने के बाद इमीडिएट यूज़ करना, ये आप तो जानते हो। ओके, इमीडिएट यूज़ करने का, अगर हम इमीडिएट यूज़ करेंगे किसी भी द्रव्य को, किसी भी द्रव्य को कलेक्ट करने के बाद, तो इसके बहुत सारे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हमें बॉडी में देखने को मिलता है। जो इफ़ेक्ट हम आफ्टर द कलेक्शन, आफ्टर द सम टाइम जब वो बीत जाते हैं, अगर हम उनके बाद अगर पर्टिकुलर कंटेंट को यूज़ करते हैं, थोड़े से इनके प्रॉपर्टीज़ में हमें सप्रेशन, थोड़े से इनके प्रॉपर्टीज़ जो रहते हैं वो कम हो जाते हैं। ओके, तो संग्रह अकॉर्डिंग टू प्रयोग मतलब यही रहता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं कि जिनकी शुष्क अवस्था में इनको कलेक्ट किया जाता है। तो देर आर नंबर ऑफ द्रव्य बताए गए। ओके, जैसे कि पिपली हो गया, जो विडंग हो गए, ओके, जो मधु है, मधु मतलब जो हनीज होती हैं, तो हनी, जो हनी तो ये कोई हर्बल ड्रग्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे द्रव्य गुण में इनका यूज़ करते हैं, मधु हो गया, घृत हो गया, जो गुड़ हो गए। ओके, देन वहाँ पे जो हर्बल जो जो ड्रग आते हैं, सपोज वहाँ पे पिपली और जो विडंग आता है। ओके, तो पिपली और विडंग जो होते हैं, ये दो ड्रग, ये जो दो हर्बल ड्रग होते हैं इनका कलेक्शन हमें शुष्क अवस्था में करना चाहिए, मतलब जब ये ड्रायर हैं तभी इनका हम कलेक्ट करना चाहिए। तो प्रयोग मतलब यही है कि जो अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट को, नॉर्मली मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि किसी भी हर्बल ड्रग्स का कलेक्शन जो हम करते हैं वो इनके आर्द्र अवस्था में करते हैं, मतलब वो फ्रेश लेते हैं। ओके, लेकिन प्रयोग भेद से ऐसा बताया गया है, प्रयोग जो अकॉर्डिंग है उनके अकॉर्डिंग जो कलेक्शन है पर्टिकुलर हर्बल ड्रग्स का, इनके अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि जो नित्य शुष्क द्रव्य होते हैं और द्रव्य विच वी आर यूजिंग इन रेगुलरली एज इन ड्राई फॉर्म, ओके, जिनका यूज़ हम क्या करते हैं, जो शुष्क अवस्था में जिस पर्टिकुलर कंटेंट का यूज़ करना है, जो शास्त्र में जो बताए गए, जैसे कि पिपली, विडंग, जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, नेमिंग जो बताया मैंने, ओके,
तो उस पर्टिकुलर कंटेंट को आपको शुष्क अवस्था में ही कलेक्ट कर रहा है। ओके, कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो आर्द्र अवस्था होते हैं, जो फ्रेश होते हैं। सपोज वहाँ पे जो वहाँ पे गुड़ुची हो गया, वासा हो गया, कूटच वसक जिन्हें हम बोलते हैं, ओके, शतावरी हो गया, अश्वगंधा हो गया, इन इन पर्टिकुलर हर्बल ड्रग्स को क्या करते हैं हम, जो आर्द्र अवस्था यानी कि जो मॉइस्चर जो कंटेंट वाले जो द्रव्य होते हैं या फिर जो फ्रेश होते हैं, हम उनका कलेक्ट करते हैं। तो प्रयोग भेद मतलब ये रहता है कि हमें शुष्क अवस्था में प्रयोग करना है या फिर वहाँ पे आर्द्र अवस्था में प्रयोग करना है, आर्द्र अवस्था में यूज़ करना है। इनके अकॉर्डिंग हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया, नित्य शुष्क द्रव्य संग्रह और वहाँ पे नित्य आर्द्र द्रव्य संग्रह, मतलब फ्रेश द्रव्य या फिर वहाँ पे ड्राई फॉर्म। ओके, तो यही इसका मेन यहाँ पे उद्देश्य था। देन वहाँ पे संग्रह अकॉर्डिंग टू कर्म। ओके, तो कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो कर्म बताए गए, कर्म मतलब जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वमन कर्म, विरेचन कर्म, बस्ती कर्म। ओके, तो ये सभी कर्म करने के लिए, ये सभी जो फंक्शन होते हैं इनको करने के लिए हमें पर्टिकुलर द्रव्य को कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि वमन कर्म करने के लिए हम मदन फल को कलेक्ट करते हैं, विरेचन कर्म करने के लिए हम त्रिवृत्त को कलेक्ट करते हैं, अर्क को कलेक्ट करते हैं। ओके, तो वहाँ पे ये पर्टिकुलर कर्म को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग द्रव्यों को हमने कलेक्ट किया। तो अलग अलग द्रव्य को जो हमने कलेक्ट किया वो कहाँ से कलेक्ट करना है। ओके, तो जो ये रूल बताते हैं, जो ये वहाँ पे रूल को फॉलो करते हैं, वो हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी में करते हैं। तो संग्रह अकॉर्डिंग टू कर्म मतलब ये रहता है कि जिस कर्म के लिए हम पर्टिकुलर कंटेंट का यूज़ करने वाले हैं, पर्टिकुलर द्रव्य का यूज़ करने वाले हैं, पर्टिकुलर हर्बल ड्रग्स का यूज़ करने वाले हैं, वो कहाँ से करना है। ओके, तो संग्रह अकॉर्डिंग टू कर्म ये पर्टिकुलर रूल में इनका उल्लेख किया जाता है। तो वमन कर्म के लिए, वमन कर्म करने के लिए जो वमन कारक जो द्रव्य होते हैं उनका कलेक्शन हमें जहाँ पे अग्नि ज़्यादा होती है, मतलब जो जहाँ पे जिनकी सॉइल होती है वो थोड़े से हॉट होते हैं, सपोज़ यूपी के साइड जो हो गए, जहाँ पे आकाश जो जो हमारे जो बादल होते हैं, जो जो क्लाउड्स होते हैं, जहाँ पे क्लियर रहते हैं, और क्या होता है वहाँ पे, यानी कि ये दोनों जो फैक्टर, यानी कि जो जहाँ पे उष्णता ज़्यादा रहती है और जहाँ पे बादल जो होते हैं साफ़ रहता है, क्लियर रहता है, जो दिखाई देता है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर रीजन से, उस पर्टिकुलर कंट्री से, सॉरी उस पर्टिकुलर स्टेट से हमें उस पर्टिकुलर वामक द्रव्य को कलेक्ट करना है। सपोज विरेचन वाले जो द्रव्य होते हैं जो परिगेशन के लिए जिनका यूज़फुल रहता है, ओके, तो विरेचन कारक वाले जो द्रव्य होते हैं, विरेचन करने वाले जो हर्बल ड्रग्स होते हैं उनका कलेक्शन हमें जो जहाँ पे जल ज़्यादा रहती है, जहाँ पे जल प्रधान रहता है, मतलब जहाँ पे वाटर ज़्यादा रहती है, सपोज हमारा जो महाराष्ट्र का जो लोकेशन होता है, जो एमपी का जो साइड्स है, देन वहाँ पे जितने भी साउथ इंडिया के जो साइड है, जहाँ पे जो रीजन होती है, ओके, जो सपोज जो रिवर के साइड के जो रीजन हो गए, कोकण क्षेत्र जो हमारा महाराष्ट्र में जो आता है, ओके, तो कहने का मतलब ये कि वहाँ पे हमने क्या किया, विरेचन कर्म करने के लिए जो विरेचन करने वाला जो द्रव्य था उनको कलेक्ट हमने कहाँ से किया, जहाँ पे ज़्यादा जल ज़्यादा रहता है, यानी कि जिस स्टेट में जल ज़्यादा रहती है, जल ज़्यादा रहती है मीन्स जल प्रधान भूमि जहाँ पे रहती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, जल प्रधान भूमि बोलते हैं, और वहीं से हमें क्या करना है, पर्टिकुलर द्रव्य को कलेक्ट करना है। ओके, तो ये जो रूल है, ये रूल इस पर्टिकुलर कंटेंट में आता है। ऐसे वहाँ पे कुछ ऐसे भी द्रव्य होते हैं जो वमन भी करते हैं, जो विरेचन भी करते हैं। तो सपोज जो अर्क एक प्लांट होता है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, तो ये जो प्लांट होता है ये प्लांट वमन भी करवाता है और विरेचन भी करता है। ओके, यानी कि ओमिटिंग भी इंड्यूस करता है और जो परगेशन, जो लूज मोशन होता है उसको भी स्टूल करता है, उसको भी इंड्यूस करता है। ओके, तो उन प्लांट जो ये जो यानी कि उन द्रव्यों को कलेक्ट करते समय जो हमारा जो उन द्रव्यों को कलेक्ट करते समय वो कहाँ से कलेक्ट करना है, तो ऐसा वहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि जहाँ पे वायु ज़्यादा हो, जहाँ पे हवा ज़्यादा बहती रहे और जहाँ पे उष्णता ज़्यादा हो, जहाँ पे जल ज़्यादा हो, जहाँ पे जो पृथ्वी जो तत्व होता है वो ज़्यादा, यानी कि जिनका जो क्षेत्रफल जो हम बताएं, ओके, तो जहाँ पे भूमि ज़्यादा हो, तो ये सब फैक्टर बताए गए हैं। इन्हीं फैक्टर जाने की कहने का मतलब ये है कि सपोज ये सभी फैक्टर कुछ हद तक यूपी साइड में आपको मिल सकते हैं। तो उभय भागहर वाले जितने भी होते हैं, यूपी साइड हो गए, राजस्थान हो गए, ये सभी आपको मिल सकता है कि वहाँ पे जो इनके जो विस्तार होता है, जो सॉइल का जो लेवल होता है वो लंबे होते हैं। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये थोड़े से इनके जो स्टेट होते हैं बड़े होते हैं, वहाँ पे जो हमारे जो क्लाउड्स होते हैं क्लियर होते हैं, उष्णता ज़्यादा रहती है इस पर्टिकुलर रीजन में,
तो जो यूपी के साइड्स हैं, बिहार के जो साइड्स हैं और राजस्थान के जो साइड्स हैं, वो जो जो स्टेट हैं उनसे आप कंपेयर कर सकते हो कि इन्हीं जगह से हमें उभय भाग हर वाले जो द्रव्य है उनका कलेक्शन करना है। ओके, तो संग्रह अकॉर्डिंग टू कर्म मतलब वही है कि वमन करने वाले द्रव्य, विरेचन करने वाले द्रव्य या फिर वमन एंड विरेचन दोनों करने वाले जो द्रव्य होते हैं, जो हर्बल ड्रग्स होते हैं, उनका कलेक्शन हमें किन किन भूमि से कहाँ कहाँ से करना है। ओके, देन वहाँ पे एक और फैक्टर मैंने बताया कि शारंगधर ने कुछ अपने अलग नियम बताए थे। ये तो चरक के नियम थे कि ये जगह से, ये भूमि के प्रधान से हमें पर्टिकुलर कंटेंट को लेना है। शारंगधर ने संहिता यानी कि जो भैसज जो कल्पना होती है, सब्जेक्ट होता है सेकेंड ईयर का, उनमें जो मेन ग्रंथाकार होते हैं हमारे शारंगधर संहिता होते हैं। ओके, यानी कि शारंगधर होते हैं। ओके, शारंगधर संहिता के श्लोक हम भैसज कल्पना में मोस्टली पढ़ते हैं। ओके, तो वो जो श्लोक लिखे हुए हैं, वो जो बनाए हुए हैं, वो शारंगधर ने किया है। ओके, तो शारंगधर का वहाँ पे उन्होंने अपने रूल कुछ बना है कि जितने भी वहाँ पे सर्वकर्म एक समथिंग वहाँ पे उन्होंने कर्म इंड्यूस किया है, यानी कि जो वमन जो करते हैं उनका कलेक्शन हमें वसंत ऋतु के टाइम में करना चाहिए। ओके, देन वहाँ पे जो विरेचन करने वाले जो द्रव्य होते हैं उनका कलेक्शन हमें वसंत ऋतु में करना चाहिए। तो चरक ने उन्होंने बताया था कि कहाँ से करना चाहिए, शारंगधर ये बता रहे कि कब कलेक्ट करना चाहिए। ओके, तो देर अ नंबर रूल है अकॉर्डिंग टू अलग अलग आचार्यस। ओके, अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूल बताए गए। तो वमन करने वाले जो द्रव्य होते हैं उनका कलेक्शन वसंत ऋतु में करना चाहिए, विरेचन करने वाले जो द्रव्य उनका कलेक्शन वसंत ऋतु में करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे जो द्रव्य होते हैं जो वमन विरेचन दोनों करते हैं उनका कलेक्शन शरद ऋतु में करना चाहिए। तो शारंगधर ने कुछ वहाँ पे टाइम फैक्टर बताया कि कब कलेक्ट करना है। चरक ने ये बता कि कहाँ से कलेक्ट करना है, किस भूमि से कलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से कलेक्ट करना है। ओके, कहाँ से कलेक्ट करना है ये बताने वाले चरक थे, और कब कलेक्ट करना है ये बताने वाले शारंगधर हैं। तो संग्रह अकॉर्डिंग टू कर्म में वही हम पढ़ते हैं कि कर्म के बेसिस पर क्या फंक्शन वो प्ले करने वाला है। ओके, उनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, द्रव्य को कलेक्ट करते हैं। ओके, देन संग्रह अकॉर्डिंग टू देश। देश मतलब वहाँ पे जो ऐसे भी जो देश बताए, देश मतलब जो एरियाज होते हैं उस एरियाज में हमें क्या करना है, पर्टिकुलर द्रव्य को कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दो यूज़फुल आया कि उष्ण वीर वाले जो द्रव्य होते हैं, मतलब जो हॉट इन पोटेंसी वाले जो द्रव्य होते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है वो विंध्य प्रदेश से हमें करना है। विंध्य प्रदेश, ओके, जो हिल्स जहाँ पे ज़्यादा होती है, माउंटेन ज़्यादा होती है, वहाँ से हमें कलेक्ट करना है। ओके, और जो हमारा जो शीत वीर वाले जो द्रव्य होते हैं, हिमाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये जो स्टेट होती है जम्मू कश्मीर, वहाँ से हमें पर्टिकुलर यानी कि जहाँ पे कोल्डनेस ज़्यादा होती है, हिमालयन जो ड्रग होते हैं उनका कलेक्शन हमें, यानी कि जो शीतवीरात्मक वाला जो द्रव्य होते हैं उनका कलेक्शन हमें हिमालयन स्टेट से, यानी कि जहाँ पे ठंडी ज़्यादा हो, यहाँ पे जो कोल्डनेस ज़्यादा हो। ओके, तो उष्णवीर वाले जो द्रव्य होते हैं विंध्य प्रदेश से हमें कलेक्ट करना है, और शीत वाले जो द्रव्य होते हैं उनका कलेक्शन हिमाचल प्रदेश से हमें कलेक्ट करना है। ओके, तो संग्रह अकॉर्डिंग टू देश, हमारा जो मेन जो फैक्टर था संग्रह अकॉर्डिंग टू काल, वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आपको मिलेगा। काल और टाइम फैक्टर, दैट इज नथिंग बट, ये देखिए जो लिस्ट मैंने बनाई आपके लिए, जो मैंने यहाँ पे रखा है। ओके, तो पार्ट्स ऑफ द, अगर वीडियो क्लियर नहीं है तो आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए, आपको वीडियो वहाँ पे ऑलरेडी आपको ऑप्शन आता है, देयर आर सम ऑप्शन, यहाँ पे ऐसे समथिंग एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे ऑप्शन पे जाकर आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो। ओके, तो वहाँ पे जो प्रयोजंग किन पार्ट्स का हमें जो यूज़ करना है। ओके, तो शाखा अगर यूज़ करना है, ओके, ब्रांचेस अगर हम ले रहे हैं किसी भी पार्ट्स का, तो चरक बोलते हैं कि आपको वर्षा से वसंत ऋतु के टाइम पीरियड में शाखा, यानी कि किसी जो ट्रीज होते हैं, जो हर्बल ड्रग्स हैं, उनकी शाखा का आप कलेक्ट कर सकते हो टिल वर्षा टू वसंत। देन वहाँ पे जो सुश्रुत है वो भी बोलते हैं कि हाँ, वर्षा में हम कलेक्ट कर सकते हैं, वर्षा ऋतु से, जो वर्षा ऋतु, जो वर्षा का जो सीज़न होता है, जो हमारा जो रेनी जो सीज़न होता है, जैसे कि अभी जो बैकग्राउंड में जो जिसकी साउंड अभी हम सुन रहे थे, हाँ, उसकी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें क्या पर पर्टिकुलर हर्बल ड्रग्स के ब्रांचेस को कलेक्ट करना है। ओके, तो वर्षा से वसंत के टाइम पीरियड में हमें शाखा को कलेक्ट करना है, ऐसा चरक और सुश्रुत ने बोला है। ओके, राजा निगुंडे ने कोई अपना व्यू यहाँ पे नहीं दिया है। पत्र अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर पेड़ का, पर्टिकुलर हर्बल ड्रग्स का, तो वहाँ पे वर्षा से वसंत अगेन इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम कलेक्ट कर सकते हैं।
और इनको कलेक्ट करना चाहिए, ऐसा रूल है। सुश्रुत ने भी वही सेम बोला कि हाँ वर्षा ऋतु में हमें कलेक्ट करना चाहिए। जो राजनिगंधु जो उन्होंने जो बताया ओके, वो बोलते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में इनको कलेक्ट करना चाहिए। ओके, तो वहाँ पे वर्षा और वसंत, तो ऐसे जो छह ऋतु बताई गई, शिशिर ऋतु शिशिर ऋतु, वहाँ पे हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, देन वहाँ पे वसंत ऋतु और वहाँ पे हेमंत ऋतु, सॉरी क्या क्या अगेन रिवाइज करते हैं, शिशिर ऋतु, वहाँ पे वसंत ऋतु, देन वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, देन शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। ओके, तो वहाँ पे जो वर्षा से वसंत के बीच में, यानी कि जो टाइम पीरियड आते हैं, सपोज जो टाइम पीरियड आता है, वर्षा आ गया, वसंत आ गया, सॉरी वर्षा आ गया, वहाँ पे शरद ऋतु आता है, हेमंत ऋतु आता है, शिशिर ऋतु आता है, तो वर्षा से वसंत के जो ऋतु होते हैं ओके, जो टाइम पीरियड होता है, इनके बीच में हम क्या करते हैं, उनके लीव्स को कलेक्ट करते हैं। तो राजनिगंधु ने भी सेम ग्रीष्म ऋतु में इनका कलेक्ट करते हैं, इन्होंने बोला है नॉट सेम, ये दोनों अपने यहाँ पे इन्होंने इनकी मत सेम थी, लेकिन राजनिगंधु की मत अलग है। इनके जो मूल होते हैं, चरक बोलते हैं कि इनको शिशिर से ग्रीष्म ऋतु में इनको कलेक्ट करना चाहिए। ओके, तो शिशिर ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वहाँ पे सॉरी शिशिर ऋतु वहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ऐसा समझना है कि वर्षा से वसंत के रीजन में नहीं, वर्षा और वसंत ऋतु में इनका कलेक्शन करना चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वर्षा से वसंत तक नहीं, वर्षा और वसंत ऋतु में कलेक्ट करना चाहिए। ओके, देन वहाँ पे जो ये मैं बता रहा हूँ मूल का कलेक्शन, यानी कि जो रूट्स होते हैं इनका कलेक्शन कब करना चाहिए, तो शिशिर और ग्रीष्म ऋतु में इनका कलेक्शन करना चाहिए। शिशिर बोलते हैं कि प्रावृत उन्होंने एक पर्टिकुलर टर्म दिया है, मतलब जो वर्षा के पहले जो एक पर्टिकुलर टाइम आता है, उनके पहले हमें पर्टिकुलर रूट्स को कलेक्ट कर लेना है, वो शिशिर बोलते हैं। शिशिर ऋतु में हमें रूट्स को कलेक्ट करना है राजनिगंधु के अकॉर्डिंग। ओके, जो पेड़ की जो छाल होती है, अगर हम उनका यूज़ करते हैं, आप जानते हैं कि पेड़ के छाल का यूज़ हम करते हैं अपने काढ़ा बनाने के लिए। ओके, अगर हम उनका यूज़ करते हैं तो छाल का निकालते समय, जो छाल का जो टाइम पीरियड होता है शरद ऋतु में, हमें पर्टिकुलर छाल को निकालना है। ओके, तो त्वक कंद क्षीर, यानी कि जो ट्यूबर्स होते हैं, जो राइजोम्स होते हैं, उनका कलेक्शन, और जो अगर मिल्की जो एग्जॉटेड होते हैं, यानी कि अगर किसी प्लांट का जो हम जो दूध होते हैं, जो क्षीर होते हैं, उनका अगर यूज़ करते हैं, सपोज आप जानते हो कि बरगद जो वट होता है, इनसे वहाँ से क्षीर निकलता है। ओके, तो उनका यूज़ अगर हम करते हैं तो उनका कलेक्शन जो होता है हमें, तो त्वक यानी कि छाल, कंद जो राइजोम जो ट्यूबर होते हैं, और जो क्षीर होते हैं, इनका कलेक्शन हमें शरद ऋतु में तीनों का कलेक्शन करना चाहिए। ओके, तो सुश्रुत ने भी सेम बताया कि शरद ऋतु में हमें त्वक, कंद और क्षीर, इन तीनों का कलेक्शन करना चाहिए। राजनिगंधु ने त्वक के बारे में यानी बाक्स के बारे में उन्होंने कोई अपनी राय नहीं दी है, और क्षीर यानी कि कब कलेक्ट करना है हमें मिल्की एक्सोडेट को, वो भी उन्होंने कोई यहाँ पे अपना मत नहीं बताया। सिर्फ उन्होंने कंद यानी कि जो राइजोम होता है, जो ट्यूबर है, जैसे मुस्ता का जो हम यूज़ करते हैं, ओके, वसना में ट्यूबर का यूज़ करते हैं, तो देन वहाँ पे हेमंत ऋतु में हमें पर्टिकुलर कंटेंट को लेना चाहिए। ओके, या फिर अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट को सार भाग निकालना है, यानी कि जो हार्डवुड बोलते हैं, यानी कि अगरु जो होता है, चंदन निकालना है, या फिर वहाँ पे बहुत सारे ऐसे द्रव्य बताए गए जो खदीर होते हैं, तो इनमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स को जो हर्बल ड्रग्स होते हैं उनको मीडियली कट करने के बाद, मीडियली उसको काटने के बाद, पूरे प्लांट को तोड़ने के बाद हमें वहाँ से सार भाग निकालते हैं, यानी कि हार्डवुड जिन्हें बोलते हैं। तो हार्डवुड का जो कलेक्शन होता है वो हेमंत सार भागानी, हेमंत ऋतु में करना चाहिए। ओके, सुश्रुत के अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि वसंत ऋतु में करना चाहिए हमें, किसी भी पर्टिकुलर सार भाग को कलेक्शन जो होता है वसंत ऋतु में करना चाहिए। राजनिगंधु ने अगेन वहाँ पे अपना कोई व्यू नहीं दिया। ओके, अकॉर्डिंग टू चरक जो होते हैं, उन्होंने फ्लावर्स का जो कलेक्शन है वो बताया कि एज पर द सीजन, और जो फ्रूट होते हैं एज पर द सीजन करना चाहिए। नॉर्मली आप जानते हो कि जो फ्रूट्स का जो कलेक्शन होता है वो हम ग्रीष्म ऋतु में करते हैं। ओके, वर्षा आने के बाद उनसे जो पत्ते होते हैं, वहाँ पे वसंत, वहाँ पे शरद ऋतु आ जाती है, नए नए पत्ते वहाँ पे आते हैं, जितने भी पत्ते होते हैं वो ऑलरेडी झड़ चुके रहते हैं, पतझड़ जो हम बोलते हैं। ओके, जितने भी लीव्स होते हैं वो फॉल हो जाते हैं। ओके, दैट्स वाई लीफ का जो कलेक्शन होता है वो हमें वर्षा से वसंत ऋतु के, यानी कि वर्षा और वसंत ऋतु में करना चाहिए। तो वर्षा या फिर वर्षा ड्यूरिंग वर्षा सॉरी वर्षा के टाइम पीरियड में हमें करना चाहिए, क्योंकि वर्षा के बाद जो होते हैं वो पर्टिकुलर जो लीव्स होते हैं वो निकल जाते हैं, वो झड़ जाते हैं, वो टूट जाते हैं, वो फॉल हो जाते हैं। ओके, फ्लावर्स एंड जो फ्रूट्स होते हैं एज पर द सीज़न,
जब वो सूचेबल हो उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें पर्टिकुलर लेना चाहिए। जैसे कि पटोल अगर मैं बताऊँ, जो परवल जो हम बोलते हैं, परवल जो होता है, जो परवल का जो फल होता है, जो हम वेजिटेबल जो भाजी बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं, उनका कलेक्शन हम जब हम यूज़ करो सॉरी जब हमें यूज़ करना है हम तब यूज़ करते हैं उसका, ओके। तो उससे कोई टाइम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एज़ पर द सीज़न जब उसके फ्रूट्स पक जाते हैं, जब वो कम्प्लीटली राइप जाते हैं तब हमें उसका कलेक्शन करना है, ओके। तो इनके जो पंचांग होते हैं यानी कि त्वक, सॉरी पंचांग का मतलब होता है कि त्वक हो गया, उसके पुष्प हो गए, उसके जो फ्लावर्स हो गए, उनके जो फ्रूट्स हो गए, ओके, इनका जो मूल हो गया, जब हम ये पांच को सॉरी पांचों का जब यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पंचांग बोलते हैं। तो जैसे कि किरातिक, तो जैसे कि चिरायता हो गया, अपामार्ग हो गया, इन सभी द्रव्य जो हर्बल ड्रग्स हैं इनमें हम क्या करते हैं, इनके पूरे, जैसे कि बनफ्शा हो गया, इनके पूरे पांचों जो मैंने पार्ट्स बताए, ओके, यानी कि स्टेम्स हो गए, मूल हो गया, वहाँ पे फ्लावर्स फ्रूट्स जो इनके जो लीव्स हैं, इनके पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स का यूज़ करते हैं, ओके। तो अगर इन पूरे पांचों पार्ट्स का अगर हम यूज़ करते हैं तो उनका जो कलेक्शन है, चरक ने उन्होंने अपना व्यू नहीं दिया है, देन वहाँ पे सुश्रुत ने भी अपना मत नहीं दिया है, राजनिगंधु जी बोलते हैं कि शरद ऋतु में हमें करना चाहिए उस पर्टिकुलर कंटेंट का कलेक्शन, शरद ऋतु में करना चाहिए, ओके। तो एज़ पर द जो मैंने यहाँ पे इनलिस्टिंग की है, ये आपको टेक्सुअल में टेक्सुअल रेफरेंस है, ओके, तो वहाँ से मैंने इस पर्टिकुलर कंटेंट को वहाँ से मैंने लिया है, ओके, आपके लिए। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज एज वेल। ये देखिए मैंने अपने एरो को वहाँ पे लास्ट में रख दिया, ओके, तो आई होप यू क्लिक दैट पर्टिकुलर फोटोज़, ओके। तो यही यहाँ पे हम डीलिंग किया, शाखा, पत्र, मूल, त्वक, कंद, खीर, हार्टवुड यानी कि सारा भाग जिन्हें बोलते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट, और जो पंचांग होता है, कब कब कलेक्ट करना है, कब कब हमें इनके ये जो कलेक्शन जो टाइम पीरियड होते हैं, इन कलेक्शन टाइम पीरियड में क्या होते हैं, इनके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं इन पर्टिकुलर पत्र में, मूल में, त्वक में, इनके जो एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं वो एक्टिवेट रहते हैं ये सभी टाइम पीरियड में ही सिर्फ, ओके, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो मैंने बताया है इसी टाइम पीरियड में इनके एक्टिव प्रिंसिपल एक्टिव रहते हैं। आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ, जब ये ऋतु बीत जाते हैं, देयर रेस्पेक्टिव जो पार्ट्स होते हैं उनके जो एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं वो उनके एक्टिव प्रिंसिपल में कमी आती है, ओके। तो दैट्स वाई एक्टिव प्रिंसिपल हमें अच्छे तरीके से मिले, ओके, उनका कलेक्शन हमें प्रॉपर टाइम पीरियड में करना चाहिए, ओके, प्रॉपर ऋतु में करना चाहिए, प्रॉपर सीजन में ही करना चाहिए, ओके। तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर टूडेज क्लास, हियर वी डिस्कस द संग्रह विधि, दैट इज कॉल्ड एज अ कलेक्शन ऑफ हर्बल ड्रग्स, देन वी हैव टू डू एंड देयर आर सर्टन रूल्स बाय विच वी हैव टू फॉलो ड्यूरिंग कलेक्शन, ओके। तो इसका जो जो समथिंग जो नोट्स हैं मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया, यू कैन डाउनलोड दैट पर्टिकुलर नोट्स एज वेल, ओके। तो थोड़े से राइटिंग वहाँ पे मिसमैच हो सकते हैं, तो मैंने वहाँ पे बुक्स के जो फोटोज है वो भी वहाँ पे मैंने लगाया है, और जो मैंने हैंडमेड जो नोट्स है वो भी मैंने ऑलरेडी आपको वहाँ पे आपको दिया है, ओके, तो यू कैन डाउनलोड इट, ओके। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो यू शेयर विद अदर्स ऑल्सो, वहाँ पे जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो कलीग्स हैं, उनको भी शेयर करिए, और वहाँ पे इसके वजह से क्या होते हैं उनको भी बेनिफिट हो सके, ओके। दैट इज़ रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास।